जैसा कि आपको जैसा कि आपने देखा अभी मेरा बेटा स्कूल चला गया, तो उसके डैडी जो है छोड़ने के लिए चले गए हैं और इधर जो है हमारी बिटिया रानी अभी सोई है, मतलब अब वो भी उठेगी जाएगी ही है, थोड़ा मठियाई हुई है तो फिर इसे भी मैं भेज दूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ घर पहुँचने, आप देख सकते हैं बाल्टी में पानी मैं लेकर आई हूँ, तो मैंने जो है अभी घर नहीं पहुँचा है, 7 बज रहे हैं। तो फिर मैंने ब्लॉगिंग ही अपना स्टार्ट कर देती हूँ और जा रही हूँ दोस्तों घर पहुँचूंगी और इसको उठाऊंगी। सोना उठो, देखिए इसे सो रही है, मतलब जागी ही है, आधा सोना आधा जगना जिसको बोलते हैं, इसीलिए वैसी सोई है। नहीं तो मैं सोता बच्चा का वीडियो नहीं करती हूँ, क्योंकि सोते बच्चे का वीडियो वीडियो नहीं करना चाहिए, बच्चे हो या बड़े हो किसी का भी सोने का ना फोटो खींचना चाहिए ना वीडियो करना चाहिए। तो मेरी बेटी को देखिए अभी तो मतलब आधा सोई आधा जागी है और ये उठेगी फिर मैं बर्तन धोऊंगी, सॉरी दोस्तों ये उठेगी फिर मैं बिस्तर उठाऊंगी। तो जा रही हूँ मैं घर पूछ लेती हूँ। तो फैमिली आपसे बातें करने के बाद जो है मैं घर पहुँच ली थी, तो घर पहुँचने का मैंने कोई वीडियो नहीं किया था। उसके बाद फिर नहा वहाँ के हस्बैंड फिर चले गए थे काम में, सब कोई चला गया, तो फिर जितने भी नाश्ता का बर्तन वगैरह था सबको मैं धुल रही थी। और क्या है ना, पानी का बीच बीच में रह के शॉर्टेज हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाता है, तो पानी जो है मैं बाहर से हम लोग का कुआं से कनेक्शन किया हुआ तो पानी ला करके डिब्बा से इसी तरह से मैं बर्तन वगैरह धुल रही थी लाला करके, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और बहुत मतलब दिक्कत हो जाता है जब भी पानी का शॉर्टेज होता है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाता है, सब पानी लाला करके धोना पड़ता था। इसी तरह से मैं धो रही थी और किचन पूरा मैंने इसी तरह से साफ़ किया लाला करके, फिर पूरा गैस वगैरह सबको मैं धुलूँगी, क्योंकि नाश्ता हो जाने के बाद सबको सुबह में बहुत हड़बड़ी रहता है ना दोस्तों, तो मतलब काम जितना भी करिए आप होता नहीं है जल्दी जल्दी। तो फिर जब सबके बच्चे स्कूल हस्बैंड ऑफिस सब चले गए थे तब फिर मैंने ये किया, देखिए इतना एकदम चिलचिलाता हुआ धूप है और कपड़ा भी धुलना था तो मैंने वो इसी बैठ करके धुला है कपड़ा ये चिलचिलाते धूप में, और बहुत मतलब मेरा सर एकदम गर्म हो गया था, घूमने लगा था दोस्तों। तो देखिए इसी तरह से मैं पूरे कपड़े को जो है धुल ले रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए और मेरे वीडियो को जो है फुल वॉच देखकर देखिए, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो नए फैमिली जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो हमारे फैमिली है प्लीज़ आप लोग फुल वॉच देखकर मेरे वीडियो को देखिए, स्किप करके ना देखें, और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो मैं जब भी कपड़े धुलती हूँ ना तो सीधा मैं भी पानी दे करके खंगारती हूँ और फिर उल्टे कर करके भी सारे कपड़े को धोती हूँ, क्योंकि कपड़ों में जो है सरफ रह जाता है, तो कपड़े जो है वो तो एवरीडे का है वो तो निकलता ही है। और मैंने सोचा था कि नहीं धुलूँगी लेकिन फिर मुझे धुलना पड़ा, क्योंकि बच्चों का जो है स्कूल ड्रेस था ना, तो स्कूल का जितना यूनिफॉर्म है वो तो मतलब आपको धुलना ही धुलना है, नहीं धुलने से मुश्किल हो जाएगा, फिर दूसरा दिन अब्सेंट हो जाता है स्कूल, इसीलिए मैं फिर पूरे कपड़े को मैंने उठा लिया है। और कपड़े उठाने के बाद जितने भी शाम के बर्तन थे सबको मैं बाहर निकाली हूँ, और बाहर निकाल करके उन सबको मैं धुलूँगी। देखिए पूरा बर्तन को जो है बैठ के माँज रही थी और सारा दिन लाइन नहीं था तो इसीलिए मैंने बर्तन को नहीं धुला है, और जब लाइन आ गया पानी मोटर चालू हुआ तब जा कर के बर्तन सबको मैं धुली हूँ और सारे बर्तन बाहर निकाला। जैसा कि मैंने बताया कि अभी पानी का शॉर्टेज हो रहा था इसीलिए
जितना भी कुआं का कनेक्शन किया हुआ जो नल है उसी से मैं पानी से धुल रही हूँ पूरे बर्तन, तो बर्तन भी बहुत हो गए थे और पूरा एकदम मच्छर जो है लग रहा था। तो अभी ये जो है कुछ नहीं तो 5:30 बजे का वीडियो है, लेकिन बहुत रोशनी रोशनी थोड़ा थोड़ा, अभी दिन बड़ा होता है ना इसीलिए रोशनी होने लगा है। और आप लोग कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखिए दोस्तों। हाँ बोलिए, क्या आवाज आ रहा है? पंखा तो नहीं चालू किया हम तो बर्तन वगैरह सब धुल लिया, तो जितना भी बर्तन था सब मैंने उठा दिया है और वहाँ पे जहाँ मैं माजी थी वहाँ क्लीन कर दी हूँ। और ये है शाम का वीडियो, मतलब 6:30-7 बजे का, तो मैं बना रही हूँ तड़का। तो तड़के का रेसिपी जो है मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से, तो इसीलिए मैंने उतना शेयर नहीं किया, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। मैंने आज तड़का थोड़ा अलग तरह से बनाया था, उसमें कैप्सिकम और गाजर थोड़ा छोटा छोटा काट करके एकदम चॉपर से चॉप करके बनाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उस तरह से आप लोग भी बनाइएगा तो अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं मसाले डाल दे रही हूँ तड़का में, तो जल्दी जल्दी जो शाम का खाना बन जाता तो अच्छा रहता। तो आप देख सकते हैं तड़का का दाल का इतना ये था, सब 4-5 किस्म का दाल मिक्स करके मैंने तड़का बनाया है। और रात में जो है बनाते बनाते अचानक से बहुत जोर बारिश हो गया, तड़का बनाने के बाद जो है मैंने पराठे बनाए थे। तो ये देखिए पराठा मैं जो है लाल कर रही हूँ। तो फैमिली आप लोग को कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट। और बारिश हो रहा है, अभी मैं पराठे बना रही हूँ तो बहुत ज़ोर बारिश अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे बरसात आ गया है, इस टाइप का हो गया था बारिश। तो अब फरवरी के महीने में ऐसा तो झोड़ आता ही है हवा। तो देखिए मैं रोटी बना रही, तो आटा जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही गीला हो गया है। फिर इन सबको करने के बाद जो है मैं किचन उचन क्लीन करूँगी। तो कैसा लगता है आप लोगों को हमारा वीडियो? यदि अच्छा लगता हो लाइक शेयर कमेंट्स दोस्तों। और कहाँ से आप लोग देख रहे हैं हमें कमेंट्स करके बताइएगा प्लीज़। फुल वॉच देख रहे हैं हमारे वीडियो को देखिए। तो ये देखिए मैं सारे पराठे में जो है तेल लगा दे रही हूँ, क्योंकि तेल जब लगाऊंगी तभी लाल होगा। तो इसमें जो है सिर्फ तेल नहीं है, थोड़ा डालडा है, थोड़ा तेल है। डालडा से पराठा जो है बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में, तो इसीलिए मैंने इसमें डालडा भी मिलाया है थोड़ा।